और सचिन एमएस ब्लॉग में आपका वेलकम करते हैं। आज घूमने आए हैं हाँ दोस्तों, फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है यहाँ का, यहाँ से एंट्री होती है। इसके अलावा बाकी यहाँ पर जो भी हमारे वर्ल्ड के जो वंडर सेवन वंडर्स थे उन सब के बारे में लिखा हुआ है, बने कैसे कैसे हैं वो सब लिखा हुआ है। बाकी अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो। सैटरडे ट्यूजडे से सैटरडे संडे तक खुला होता है, मंडे क्लोज होता है। अगर आप मंगलवार से शनिवार के बीच में आते हो तो आपके करीब ₹50 लगेंगे और अगर आप संडे आते हो तो आपका वही फेयर डबल हो जाता है, मतलब ₹100 लगेंगे। तो बेटर है कि आप लोग अगर आना चाहते हो तो आपको आना होगा। अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हैं ट्यूजडे से सैटरडे के बीच में कभी भी। ये यहाँ पर मेयर है, उनके बारे में लिखा हुआ है, कमिश्नर के बारे में लिखा हुआ है। ये वो चीजें हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, मतलब जो बनाई हुई हैं। और आप लोग शॉक हो जाएंगे यहाँ पर ये चीजें देख करके कि ये सारा कुछ जो भी बना हुआ है, ये मेटल जो भी वेस्ट मेटल होता है उससे बना हुआ है सारा। ये इसका नाम लिखा हुआ है सेवन वंडर। क्राउड काफी ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा फुटेज में आपको ऐसे मतलब काफी क्राउडेड प्लेस लगेगा, ये काफी ज्यादा क्राउडेड प्लेस लगेगा आपको ये। और अगर आपको चाहिए कि मतलब थोड़ा फ्री होकर के घूम पाऊँ, ये साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भाई साहब आपका वीडियो शूट हो रहा है, ये देख रहे हो, ये बंदा काम नहीं करना चाहता, ये यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता है। फाइनली आज भाई का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और हम पहली बार इनसे मिले हैं, जो कि चैनल बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच ब्रदर, जरूर देखिए। तो प्लीज इनका भी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्प्रेड करें, मतलब आग लगा दे। सब्सक्राइब कर दो भाई, एक बार नाम बता दो आप चैनल का, ताकि सुपर राइडर ब्लॉग्स के नाम से चैनल, सुपर राइडर ब्लॉग्स के नाम से चैनल है। प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले वंडर की तरफ, जो मतलब सबसे पहली चीज यहाँ पे बनाई हुई है। आप पेरिस को पेरिस जाने की जरूरत नहीं है आपको, पेरिस से पहले तो आपको इजिप्ट जाने की जरूरत नहीं ब्रदर, पेरिस से पहले आप इजिप्ट जा सकते हैं। इजिप्ट का व्यू है ये, अब याद रखिएगा ऑफेंसिव लिखा हुआ है यहाँ पे, अंदर प्रवेश करना है स्मारक को। प्रथम जो यहाँ पे दूसरी बढ़िया चीज, the leaning tower of Pisa. और ये मोहित भाई, अब बढ़ते हैं अगले वंडर की ओर, जो कि उस कंट्री में है जिसे कहते हैं
country of fashion, perfume, poetry, love. The one and only? The one and only Eiffel Tower. सबसे अच्छी चीज दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कितना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है। ग्रीनरी के बीच में से होते हुए और ये हमारा भाई, एंड देन दिस इज द नेक्स्ट वंडर, वेस्ट टू वंडर का नेक्स्ट। आपको बताएंगे क्या है, हमें भी नहीं समझ आ रहा अभी तो। कोलोसियम, सो दिस इज कोलोसियम, व्हाट इज दिस? इसकी प्रॉपर डिटेल्स हैं, बना हुआ है ये। आपने काफी सारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा यार, ये रोम का सबसे फेमस है। अगर मूवी रोम में शूट हो रही है, रोम में शूट हो रही है तो डेफिनेटली दिखाना है पब्लिक को यार। ये ऐसे करके बंदा खड़ा रहता है ना, उसके पास ही है। चलिए आगे दिखाते हैं इधर। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अल्टीमेट लगा कि नहीं लगा? ये बहुत गजब है, लेकिन लाइक इस बात पे एक लाइक तो बनता है। लाइक लगा दो, मतलब अगर पसंद आया ना, मतलब टारगेट करते हैं हर एक वंडर में ना 1000 लाइक, हर वंडर 1000। बिल्कुल। और यहाँ पे देखो, आपको यहाँ से दिखेगा ये उसका कटा हुआ पोर्शन पूरा। दोबारा चलेंगे जैसा कि आप, हम इटली से जा रहे हैं किसी दूसरी कंट्री या दूसरी स्टेट, और अगला वंडर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी एक सरप्राइज है। मेरे को लगता है मैं आपको रियलिटी बताऊँ दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, इटली आप लोगों ने शॉक हो जाना है यार। तो हम इटली से सीधा इंडिया आ गए हैं वापस, ये समझ लो अपना प्राउड फील करोगे। और ये भीड़ को काटते हुए वाओ, दिस इज फ्रॉम इटली टू इंडिया टू आगरा, मतलब हमने ट्रैवल किया है इटली से दिल्ली, दिल्ली से दिस इज अमेजिंग गाइस। लिट्टे ब्रदर, लिट्टे एकदम। इसके अंदर जाना है अलाउड नहीं है, बाकी सब में तो हम जा सकते थे, बट हाँ किसी के प्यार की निशानी थी जो आगरा में थी, अब दिल्ली में भी है, लेकिन वहाँ पे व्हाइट था, यहाँ ब्लैक है।
ब्लैक नहीं, ये ओरिजिनल वाला है वैसे। ये जंग वाला है, ये वेस्ट से बना हुआ है ना, तो देख सकते हैं आप दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है जिसकी वजह से ये भी ब्लैक हो गया है। और सच्ची बताऊं हमारी जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इतना अच्छा काम किया ना, कोई भी वेस्ट नहीं है, इस तरीके से लाइफ किया कि बंदे देख में आए। अब उन्हें ऐसा नहीं कि हर जगह ट्रैवल करना होगा, किसी के लिए मतलब छोटा मॉडल यहाँ देख सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट, आप देख ही सकते हो क्या अल्टीमेट हो गया बा, जिस हिसाब से शाम हो गई है। यूज डस्टबिन प्लीज यार, दिल्ली में ना कूड़ा मत फैलाना आकर के। साइड लुक ताजमहल पांडा भी देख सकते हो यार, ये ना देखो छुपा हुआ है। ये मौसम के बीचों बीच ये खड़े हैं हमारे रियो ब्यूटीफुल। वाओ दिस इज अमेजिंग। और मोहित भाई दिल्ली से वापस रोम ब्राजील, रियो ब्राजील। अगर आप ब्राजील आते हैं और आपने ये नहीं देखा हो, इसके अलावा ब्राजील की दूसरी फेमस चीज़ है वो है रियो डी जेनेरियो का फेस्टिवल, मतलब अल्टीमेट फेस्टिवल होता है। सोच रहे हो आप ये आते हो तो प्लीज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा देखें उसे। मतलब ये डमी आपको चारों एंगल से मैं दिखा रहा हूँ और ये डमी इतना अच्छा है जो यहाँ बनाया है, बट अगर ओरिजिनल कभी आप गए तो देख सकते हैं डमी को, बहुत गजब दिखेगा। अभी हम लोग गए थे इंडिया से गए ब्राजील से, अब मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने ट्रेवल किया इंडिया से ब्राजील से, अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ न्यूयॉर्क। टिंग 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 क्योंकि सांस भी। वाओ दिस इज अमेजिंग गाइस, ये दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसका तो नाम बताने की जरूरत नहीं है किसी को, हमारे पास है स्टैचू ऑफ यूनिटी और न्यूयॉर्क के पास है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि हमारे पास एक और बार है। अब हमारे पास उसका छोटा वर्जन भी है। कम ऑन गाइस आप लिबर्टी की ओर बढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं न्यू लोकेशन पे, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा इस वेस्ट टू वंडर वाली जर्नी में। यो ये एक बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए, अगर आप आते हो और आपको बैठना है, थक चुके हो, हार गए हो कि मतलब अब नहीं चल सकते बाबा, मतलब अब ना हार मान गया शरीर, तो आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं, आराम बनवा सकते हैं। लिटरली बैठने के लिए बड़ी ही लिट जगह है एकदम। वो सबसे अच्छी चीज है कि फैमिली प्लेस है, आप फैमिली के साथ आओ, कैसे भी आओ, कोई इशू नहीं है। देखो लाइटनिंग कितनी अच्छी है यहाँ पर यार। और गाइस अगेन सेम नोट के साथ मैं यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स भर दीजिए, मतलब जितना हमारा चैनल है एम एस ब्लॉगर्स, मोहित सचिन ब्लॉगर्स, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिन लोगों को दिल्ली घूमनी है या नई नई जगह घूमनी है दिल्ली में उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारी वीडियो कि। और अगर आप यहाँ वेस्ट वंडर कभी नहीं घूमे तो आप इस जगह पे आइए, रियली बहुत अमेजिंग जगह है,
अगर आप वर्ल्ड के जितने भी आपको सेवन वंडर्स आपने किताबों में पढ़े हैं आपको रियल में देखने और वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता, तो एक बहुत अच्छी जगह है जो कोटा में एक सेवन वंडर है उससे इंस्पायर्ड होकर ये बनाया गया है। तो ये बहुत अमेजिंग जगह है, आप आइए, आपका दिन और आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, वर्थ है। मतलब मैं यही कहूँगा कि जो आपका 100 रुपीज का टिकट लगा है वो भी वर्थ है एकदम। आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा वेस्ट हो गया यार, मैं आया हूँ मेरे 50 रुपए खर्च हो गए, लेकिन अगर आप बर्बाद हो गए, नहीं, आप ऐसे टाइम वर्थ है हमारे लिए तो वर्थ था। दिन में आए तो आपकी फोटो भी अच्छी आएंगी और लाइट में आए तो आप यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी, लाइटिंग कमाल है। इनफैक्ट यहाँ पे सिटिंग एरिया देख रहे हो आप लोग, वो भी बहुत ज्यादा ऐसे क्लब टाइप लाइटिंग है उसमें, देख रहे हो, बस म्यूजिक की कमी है, बस एक म्यूजिक की कमी है, देख रहे हो, आपको देख सकते हो मतलब लाइटिंग वगैरह सिटिंग अरेंजमेंट कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो गाइस अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, दिस इज बेसिकली अ सर्कल, आप जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और जिस एरिया में इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं ना वहाँ पर भी लाइटिंग का काफी वो है, मतलब लाइटिंग नहीं है बेसिकली, बट हाँ यहाँ से बाहर निकलते निकलते उजाला आ जाएगा, वापस हम लोग दिखने लगेंगे, आप लोग जादू से विजिबल हो जाएंगे इनविजिबल से। और इस वक्त हम बाहर आ चुके हैं, एंट्री की ये है वो लोकेशन जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी, इनफैक्ट हमारे अलावा पूरी पब्लिक ने एंट्री करी है, ये वो लोकेशन है, एंट्री गेट आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, थोड़े से फोटो वोटो खींचे, आप लोग एंजॉय करो, हमारा लाइक करो, कमेंट करो नीचे, सेम नोट पे दोबारा कहूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स भर दें। यहाँ पर खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिला, खाने के लिए सच्चे में कुछ नहीं है यहाँ पर, बाहर से आपको लेना पड़ेगा या बाहर से खाना, बाहर से जाकर के खाना होगा या बाहर से आप खा करके आ सकते हो, लेकर के भी शायद नहीं आ सकते, पानी की बॉटल वगैरह लेकर के आ सकते हो, आई गेस वो लेके आ सकते हो, हाँ आई गेस पानी की बॉटल वगैरह आप लेकर के आ सकते हो, बट इसके अलावा खाने को तो मैंने नहीं देखा कि कोई खाने के लिए भी कुछ लेकर के आ रहे हैं। चलो बाय बाय गाइस।